गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने कक्षा सातवीं में गणित का दूसरा यूनिट भिन्न और दशमलव उसमें सिर्फ भिन्न के बारे में पढ़ना शुरू किया था यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे पुनः देखें आज हम उसी क्रम में हमारी उड़ान कार्य पुस्तिका कक्षा सातवीं में जो कार्यपत्रक है भिन्न से संबंधित उसे करेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से पता चलेगा हमने क्या करना है पहले ही प्रश्न में देखिए कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं और उसमें कुछ भाग को छायांकित किया हुआ है छायांकित भाग को मैंने रंग अलग रंग से दिखाया है जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे अब पहली आकृति में देखिए कि कुल भाग कितने है? एक दो तीन चार अब ये कुल भाग कितने है? चार और छायांकित भाग है हमारा एक तो यहाँ पर हम भिन्न को कैसे लिखेंगे एक बटा चार यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो उसे ज़रूर देखें जिससे उनको भिन्नों के बारे में अच्छे से पता चलेगा आपको उसमें मैंने तुल्य भिन्न उचित अनुचित सभी भिन्नों के बारे में बताया है जैसे ये किस प्रकार की भिन्न है उचित भिन्न इसमें ये क्या है अंश और ये क्या है हर आपको हर चीज की प्रैक्टिस करनी है ये क्या है हर और इसी प्रकार देखिए जैसे दूसरा प्रश्न है इसमें एक वृत्त बना हुआ है और इसको दो भागों में बांट रखा है तो देखने में ही आपको पता चल रहा है कि ये आधा भाग जो है इसका छायांकित है तो भिन्न के रूप में जब हम लिखते हैं तो कुल भाग कितने हैं दो छायांकित भाग एक तो ये क्या भिन्न बन गई हमारी एक बटा दो तीसरे प्रश्न में देखिए कुल भाग हैं एक दो तीन और छायांकित भाग हैं हमारे दो तो ये हमारी भिन्न बन गई दो बटा तीन अभी तक आप ये देख सकते हैं एक बटा चार एक बटा दो और दो बटा तीन ये तीनों कैसी भिन्न हैं उचित भिन्न क्योंकि इनमें अंश जो है हर से छोटा है जिन भिन्नों में अंश जो है हर से छोटा होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं कैसी भिन्न है वो उचित भिन्न कल वाली वीडियो आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा अब चौथे प्रश्न में देखिए यहाँ पर एक वृत्त तो बना हुआ है जिसका पूरा का पूरा सब कुछ छायांकित है यानी चार भाग बने हुए हैं लेकिन चारों के चारों छायांकित हैं तो इसको हम पूर्ण एक मान सकते हैं ये क्या है पूरा एक नंबर तो ये एक इसमें आ जाएगा आपका और अब दूसरे में देखिए चार भागों में बटा हुआ है लेकिन छायांकित भाग केवल एक है कुल भाग कितने हैं चार और छायांकित भाग एक तो ये भिन्न हमारी बन गई एक सही एक बटा चार और इस प्रकार की भिन्न को मैंने आपको कल भी बताया था हम क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न मिश्रित भिन्न में एक संख्या हमारे पास पूर्ण होती है जैसे यहाँ पर हमारे पास एक है और एक जो है भिन्न के रूप में होती है इसे हम अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हैं कल भी आपको ये तरीका बताया था इसकी इससे क्या करेंगे गुणा चार एकम चार और फिर इसमें इसको जोड़ देंगे चार एकम चार और एक पाँच यानी पाँच और हर के स्थान पर यही नंबर लिखेंगे पाँच बटा चार तो ये हमारी कैसी भिन्न है अनुचित भिन्न क्योंकि यहाँ पर अंश जो है वो हर से बड़ा है आप इसे और अच्छी तरह समझने के लिए कल वाली वीडियो में आपको दोबारा कह रही हूँ कि पुनः कह रही हूँ दोबारा कि ज़रूर देखें तो इस प्रकार हमें तीनों भिन्नों का पता चल गया और बाकी के इस प्रश्न में सात सवाल दिए हुए हैं बाकी के सवाल आप स्वयं करने का प्रयास करें अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर बताऊंगी। थैंक यू